वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आलम गंडापुर 24 घंटे गायब रहने के बाद मंज़र-ए-आम पे आ गए। सुबह असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि रात इस्लामाबाद में था, मेरे गिरफ्तार के लिए 4 छापे मारे गए लेकिन पकड़ा ना गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हाउस पर धावा बोला गया, अगर मुझे गिरफ्तार करना था तो क्या आई जी ने मुझे बताया? आई जी को फ्लोर पर माफ़ी मांगना पड़ेगी वरना हम के पी हाउस पर हमले की FIR दर्ज करवाएंगे। गवर्नर आज की धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकियों से नहीं डरता, हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है? हमें जुलूसों की इजाज़त क्यों नहीं? कभी सुंगजानी कभी कहना मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी गई, क्या हम जानवर हैं जो मवेशी मंडी में जलसे करें? हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है, क्यों? ये मुल्क किसी के बाप का है? खौफ क्या है वे? किस चीज का खौफ है इनको? इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, सुंगजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटे, फिर पिंडी में काले का बाप करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है? पुरमाने इंतजार करते हैं, उसकी भी हमें इजाजत नहीं है। पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे हैं जहाँ का कहा था हजारों शहर। फिर क्या हुआ? क्योंकि हमारा धरना नहीं था, एहतजाज था। पहुंचने के बाद हमने 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हमने फैसला किया कि चौके बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं और बहुत करीब से लड़ाई शुरू हो चुकी है, अल्लाह ना कर नुकसान ना हो जाए। हमने फिर भी सोचा, मैं बार बार कहता हूँ ना, इस्लाम कहने से नहीं अमल से। पकड़ने किसको आया था? FIR किसके? मुझे पकड़ने आया था, मुझे इतला दी कि तुम्हारे पे FIR है। नहीं, किस चीज़ की FIR है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता दो लेता, इसकी जुरत कैसे हुई? गाली दे काफी, हम कहा तुम्हारा? अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और राजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, उधर ही था, कल पूरी रात में उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस, 4 छापे इसे मारे हैं। कान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने बदल नजर नहीं आता।